हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। कैसे हैं आप सब? जैसे कि नवरात्रों का टाइम है, ऐसे में बहुत सारे पकवान और बहुत सारी रेसिपीज सभी के घर में बनती हैं। आज मैं आप सबके साथ ऐसी ही एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कुट्टू के आटे के पकौड़े, जिसे हम व्रत के टाइम पर तो खाते ही हैं, लेकिन आप नॉर्मली भी इसे कभी भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिपी। व्रत के लिए कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेने हैं 5 उबले हुए आलू। यहाँ मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अब सबसे पहले इन्हें हम छील लेते हैं। सो अब मैंने सभी आलुओं को छील लिया है। अब हम इन्हें थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। सो इस तरह से इनको थोड़ा मोटे पीसेस में कट कर लीजिए। सो यहाँ पर मैंने इस साइज में सभी आलूओं को कट कर लिया है। अब हम इन आलू के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए कोई भी खाली बर्तन। अब हमने इसमें लेना है 1.5 कप कुट्टू का आटा। अब ऐड कर दीजिए इसमें 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग नवरात्रों में सेंधा नमक खाना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सॉल्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अब इसमें पानी ऐड करना स्टार्ट करती हूँ और आपने अब इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करना है जो कि ना बहुत पतला हो और ना बहुत गाढ़ा हो। अभी तो ये काफ़ी ड्राई है मिक्सचर, तो मैंने इसमें पूरा 1 कप पानी अभी तक डाल दिया है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसमें। इस मिक्सचर को आपने बढ़िया से फेंट लेना है क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा फेंटेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक उतना ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। तो आपको इसका कंसिस्टेंसी इस तरह का चाहिए जो कि बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो अच्छे से फेंट लीजिए ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए। सो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है इसका ये पेस्ट। अब एक कढ़ाई में हम लोग ऑयल ले लेते हैं इस आलूओं को फ्राई करने के लिए। इसमें हम बॉईल किए हुए आलू के थोड़े थोड़े करके पीसेस डाल देते हैं। सो यहां मैंने ऑयल जो है वो पहले से ही गर्म कर लिया है। सो अब इसमें हम एक एक करके कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम जो है आपने वो मीडियम लो रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आंच बहुत तेज हो गई है, ज्यादा गर्म है कढ़ाई, तो फ्लेम को कम ज्यादा करते रहिएगा बीच बीच में। एक साइड से अभी गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं, अब हम इन्हें पलट लेते हैं। बीच बीच में आप इन्हें इस तरह से पलटते रहिए ताकि ये हर तरफ से बढ़िया से सिक जाएं और कहीं से भी कच्चे ना रहें, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो इनको सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर यह है कि कुट्टू का आटा कच्चा ना रहे, तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है और इसको हर तरफ से सेकना है।
सो एक बैच पूरी तरह रेडी हो गया है। ये देखिए कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसका जितना भी तेल है उसे निकाल लीजिए। इसी तरह से बाकी बची हुई पकौड़ियां भी तैयार कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, कुट्टू के आटे के जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कि पकौड़े कितने परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ। ये देखें कितने बढ़िया से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अच्छे से सिक गए हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी हैं और बाहर से ये दिखने में जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। व्रत ना रखने वाले भी इसी बहाने व्रत रखना शुरू कर देंगे। सो आप इसे दही के साथ खाइए क्योंकि ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे आप सभी लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टोस्टी किचन। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। See you soon.